سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا اتمم لنا نورنا وفق لنا انك على كل شيء قدير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पारा नंबर 15 के एंड से सूरा पारा नंबर 16 के स्टार्ट तक अभी तक सूरा कहफ चल रही है सूरा कहफ की आयत नंबर 60 से 82 तक हजरत मूसा अलैहि सलाम के एक सफर और हजरत हिजर से मुलाकात का किस्सा है मौलाना मोदी इस बारे में लिखते हैं कि इस मरले पर यह किस्सा सुनाने से मकसूद कफ़ार और मोमिन दोनों को एक अहम हकीकत पर मतनब करना है और वो है कि ज़ाहिर बेनिगा दुनिया में बज़ाहिर जो कुछ होते देखती है उससे बिल्कुल ग़लत नतज़ कर लेती है क्योंकि इसके सामने अल्लाह ताला की वो सारी मसलहतें नहीं होती हैं जिन्हें मलहूज रख कर वो काम करता है ना का ालिमों का फलना फूलना बेगुनाहों का तकलीफ़ों में मुबला हो जाना और इसके अलावा फरमानों पर इनामात की बारिश और फरमा बरदारों पर मुसाइब का हजूम बदकारों का ऐशो इशरत और नेकूकारों की हस्त हाली ये सब वो मनाजर हैं जो आए दिन इंसानों के सामने आते रहते हैं और महज इसलिए लोग उनकी मसलहत को नहीं समझते इनसेमतौर तो पर जहनों में उलझने और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं काफिर और ालिम इन ये नतीजा निकालने लगते हैं कि ये जो दुनिया है ये अंधेर नगरी है कोई इसका राजा नहीं है सब कुछ चौपट है यहाँ जिसका जो चीज़ाहे करता रहे कोई पूछने वाला नहीं है तो मोमिन जो हैं वो भी इस तरह के वाक़ को देख कर दिल शिकस्त हो जाते हैं और बाज़ात सख्त आजमाइशों के मौके पर उनके ईमान तक मुतलजल हो जाते हैं ऐसे ही हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अपने कारेशीत का पर्दा उठाकर ज़रा इसकी एक झलक दिखाई थी ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि यहाँ पे शब व रोज़ जो कुछ हो रहा है कैसे और किन मसलहतों से हो रहा है और किस तरह वाक़ात का ज़ाहिर जो है वो उनके बादन से मुख्तलिफ होता है पारा नंबर सिक्सटीन सुरा क़हफ उसने कहा मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ साथर नहीं कर सकते मूसा ने कहा उसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें लीजिए अब तो मेरी तरफ़ से आपको उज़र मिल गया ये आय नंबर सेवेंटी सिक्स है अल्लाह तला इसके बाद फरमाता है कि फिर वो आगे चले यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुँचे और वहाँ के लोगों से खाना मांगा मगर उन्होंने उन दोनों की ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी उस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे उसने कहा बस मेरा तुम्हारा साथ ख़त्म हुआ अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मज़दूरी करते थे मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूँ क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था रहा वो लड़का तो उसके वालदे मोमिन थे हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी औलाद दे जो अखलाक में भी उससे बेहतर हो और जिससे सिलाई रहमी भी ज़्यादा मतव्य हो और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो यतीम लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं और इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए एक ख़जाना मदफ़ून है इनका बाप एक नेक आदमी था इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बाले हों और अपना ख़जाना निकाल लें ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया है मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं कर दिया है ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र ना कर सके यहाँ तक आयत नंबर 82 कंप्लीट होती है हज़रत मूसा सलाम का ये सफ़र अल्लाह ताला के हुक्म से था और उनको मंजिल मकसूद की अमामत यही बताई गई थी कि जहाँ उनके नाश्ते की मछली ग़ायब हो जाए वहाँ आपकी मुलाकात एक शख्स से होगी और उससे आप इल्म हासिल करेंगे हज़रत मूसा जाते हैं और दो दरियाओं के संगम पर जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं उनकी मुलाकात हज़रत हिज़र से होती है जिनके बारे में मा का गुमान गालिब यह भी है कि ये इंसान नहीं कोई फरिश्ते थे जो कि इंसानी शक्ल में आए थे क्योंकि आप देखें इस वजह से कि कोई भी शरीयत जो है ना ये किसी इंसान को ये इजाज़त नहीं देती कि वो किसी ममलोका चीज़ को ख़राब कर दे किसी मुतनफ़स को बेकसूर कत्ल कर डाले हती कि अगर किसी इंसान को इल्हाम के ज़रिए भी मालूम हो जाए कि एक कश्ती को आगे जा कर एक गासिब छीन लेगा या फ़लॉँ लड़का बड़ा होकर सरकश और काफिन निकलेगा तब भी उसके लिए अल्लाह की भेजी हुई शरीयतों में से किसी शरीयत की रूह से ये जायज़ नहीं है कि वो अपने उस इल्म की बिना पर उस कश्ती में छेद कर दे या बेगुनाह लड़के को मार डाले तो इसके जवाब में ये कहना कि हज़रत हिज़र ने ये दोनों काम अल्लाह के हुक्म से किए थे अगर नॉर्मली देखा जाए ना तो ठीक है मतलब यहाँ से बात ख़त्म हो जाती है क्योंकि इनका हुक्म जो है वो अल्लाह की तरफ से होना जो है ये यकीन के साथ साबित है क्योंकि हज़रतज़र ख़ुद फ़रमाते हैं कि इनके ये फ़ाल उनके अपने नहीं तैयारी हैं अल्लाह की रहमत उनकी मोहरक हुई है अब बात यह है सवाल असल में ये है कि वो ये अहकाम जो थे अल्लाह के इन कामों की नोयत क्या थी इन एहकाम की नोयीत क्या थी क्या ये तशरी एहकाम थे तो ज़ाहिर शरीत तो इजाज़त नहीं देती ना कुरने पाक में इसकी इजाज़त दी है ना नबी पाकली वसम की यहीं शरीत इजाज़त दे रही है ना इससे पहले जितनी आसमानी किताबें हैं उनसे ये साबित होता है तो फिर क्या ये तकवीनी अहकाम थे जाहिर है उसके मुहाब सिर्फ़ फरिश्ते हो सकते हैं जिनके बारे में शर्य जवाज़ और अदम जवाज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने किसी ीखियार के बगैर सिर्फ जो हैं वो अल्लाह ताला के अहकाम की, की तामील करते हैं इंसान जो है ये हाँ बिला इरादा किसी तकवीनी हुक्म के नफाज का ज़रिया बने यान इस तरह कोई गैबी इल्म और हुक्म पाकर उस पर अमल करे बहरहाल वो गुनागार होने से नहीं बच सकता है अब शुर कहफ में हजरत हिजर के लिए सिर्फ़ राजुलिन का लफ्स आया है जो कि अगरचे मर्द इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है बहरहाल इंसानों के लिए मखसूस नहीं है क्योंकि कुरने पाक में ये लफ्स जिन्नों के लिए भी इस्तेमाल हो चुका है और फरिश्तों के लिए भी तो बहरहाल के नज़दीक हज़रत हज़र आल्लाम इंसान नहीं कोई फ़रिश्ते थे जो कि इंसानी शक्ल में आए थे मूसा आसलम ने उनसे कहा कि क्या मैं आपकी सोहबत इख्तियार कर सकता हूँ कि जो इल्म और जो दानाई अल्लाह ताला ने आपको दी है उसमें से कुछ सीख सकूँ तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते क्योंकि जिस चीज़ का इल्म ना हो उस पर सब्र नहीं हो सकता है तो मूसा आसलम ने कहा कि नहीं मैं सब्र करूँगा और आप मुझे फरमा बरदार पाएंगे तो फिर हज़रत हज़र से ने उनसे कहा कि ठीक है आप मुझसे तब तक कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद ना बताऊँ दोनों आगे चलते गए एक कश्ती में सवार हुए और उतरते हुए हज़रत हज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया हजरत मूसा मूसीम फ़ौर बोल पड़े कि आपने ये क्या किया है कश्ती में सुराख कर दिए तो फिर हजरत हिजर ने उनको याद करवाया कि आपने क्या कहा था कि आप कुछ नहीं पूछेंगे आगे गए एक बच्चा खेलता हुआ नज़र आया उस बच्चे को हज़रत हज़र आसमाम ने कत्ल कर दिया फिर यहाँ पर मूसा आई सलाम से सब्र नहीं हो सका तो कहने लगे कि आपने ये क्या किया बहुत ही बुरा काम किया है हजरत हज़रतज़र आल्म ने फिर वही जवाब दिया कि अब अगर आपने सवाल किया तो हमारी हमारीगी हो जाएगी हज़रत हज़र आसलम ने अगले मकाम पर जाकर एक ऐसी बस्ती जिन्होंने आपकी मेज़बानी से इनकार कर दिया था उसकी एक गिरती हुई दीवार को दुरुस्त कर दिया तो हज़रत मूसा साम यहाँ पर फिर बोल पड़े कि आपने ये क्या किया है इनसे कोई उजरत ही ले लेते तो हज़रत हज़र सलाम ने कहा कि अब मेरी और आपकी जुदाई है और वो तीनों काम जो उन्होंने किए थे उनकी वजूहत यहाँ पे बताई कि जो कश्ती थी वो गरीब मज़दूरों की थी और आगे कोई ालम बादशाह था जो कश्ती छीन लिया करता था इसलिए कश्ती को ऐबदार कर दिया कि बादशाह छीन ना ले और उस लड़के को कतल किए जाने का बायस क्या था कि उसके वालदे मोमिन थे और अंदेशा था कि यह बच्चा बड़ा होकर सरकशी तैयार करेगा कुफर करेगा तो अल्लाह ताला ने चाहा कि उनको कोई नेक औलाद दे और इसलिए इस लड़के को कत्ल कर दिया और इस बस्ती की दीवार की तामीर की हकीकत ये थी कि दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों के लिए हजाना था उनका बाप बाप एक नेक शख़्स था और इस दीवार को इसलिए उठा दिया कि जब तक ये बच्चे बालग ना हो जाएं उनका ख़ज़ाना महफूज रहे और फिर बताया कि ये सारे काम उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए हैं ये आयत मोमिन को बहुत ज़्यादा इतमान बख्शती हैं कि अल्लाह ताला के हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है हमत होती है और इंसान को हर हाल में अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए फिर ये जो तीसरा वाक्य है इससे ये भी पता चलता है कि नेक वालदेन की औलाद की भी अल्लाह ताला ख़ुद हिफाजत फरमाता है और उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी भी हिफाज़त करता है और उनकी नेकी का सिला जो है वो नसल दर नसल चलता रहता है इसके बाद सूरह कहफ का चौथा किस्सा नैन का है आयत नंबर 83 थ्री अल्लाह ताली फरमाता है कि ए महमद सल्ला वसम ये लोग तुमसे नैन के बारे में पूछते हैं इनसे कहो मैं इसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ हमने इसको ज़मीन में इकतदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब और वसाइल बख्शे थे उसने पहले मगरब की तरफ एक मुहिम का सरोसामान किया कि जब वो गरूब आफ्ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा वहाँ उसे एक कौम मिली हमने कहा कि एज़ुल्क्रनैन तुझे ये मकतदरत भी हासिल है कि इनको तकलीफ़ पहुँचाए और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया अख्तियार करे उसने कहा जो इन से म करेगा हम इसको सजा देंगे फिर वह अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा वो इसे और ज़्यादा सख्त जजाब देगा और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है और हम इसको नरम अहकाम देंगे फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की यहाँ तक कि किलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलु हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है ये हाल था उनका और जुल्क के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी उन लोगों ने कहा कि एजुल्नैन याजूज और माजूज इस जरजमीन में फसाद फैलाते हैं तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और इनके दरमियान एक बंद तमीर कर दे उसने कहा कि जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है तुम बस मे मेहनत से मेरी मदद करो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ मुझे लोहे की चादरें लाकर दो आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमिया हला को उसने पाट दिया तो लोगों ने कहा कि अब आग दहकाओ हती कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा कि लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ ताँबा ले लूँगा ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज उस पर चढ़कर ना आ सकते थे और उसमें नकब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था जुल्कुर नै ने कहा यह मेरे रब की रहमत है मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आए तो वो इसको पैवादे हाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है और उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों और शोर फूँका जाएगा और सब इंसानों को हम एक साथ जमा करेंगे और वो दिन होगा जब हम जहन्नुम को काफ़िरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ़र इख्तियार किया है ये ख़्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदूक को अपना कारसाज़ बना लें हमने ऐसे काफ़िरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है अब ये जो जुल्कनैन का वाक़ है इनके बारे में भी कुफ़ार मक्का ने पूछा था तो जुल्क नैन का वाक़ बयान करके बताया गया है कि इकतदार जो है ये एक आज़माइश है और ये कि वो एक मिसाली हुक्मरान थे मशरक़ से मगरब तक उनकी हकूमत थी अल्लाह तला ने उन्हें बहुत सारे वसायल और रबाव फ्राहम किए थे लेकिन इसके साथ साथ वो एक अच्छे मुबलिक थे अल्लाह के बंदे थे और अपनी राया को तोहीद की दावत देते नज़र आते हैं कुत्त और इकतदार को दावत के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एक मुसलमान हुक्मरान के फ़रज़ में शामिल है फिर जब झुल्क नैन ने मज़लूम कौम को याजूज माजूज से बचने के लिए बंद बना कर दिया और उसकी कोई उजरत ना ली और बंद बनाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया ये सारी अलामतें हैं कि वो एक साल और अमानतदारक हुरान थे उसके बाद आहरी आयात आ रही हैं आयत नंबर 103 से 110 तक अख्तामी आयात हैं और इन में अल्ल तहरत की तरफ दोबारा मतवज किया है अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम ना और ना लोग कौन हैं वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही और जदोजहद राह रास से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया और इसके हुजूर पेशी का यकीन नहीं किया इसलिए उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए क़यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वजन नहीं देंगे उनकी जजा जहनुम है उस कुफ़र के बदले जो उन्होंने किया और उस मज़ाक की पादाश में जो वो मेरी आयत और मेरे रसूलों के साथ करते रहे अलबतः वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक कमल किए उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकल कर कहीं जाने को उनका जी नहीं चाहेगा ए मोहम्मद सल्ला वसल्लम कहो कि अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो ख़त्म हो जाए मगर मेरे रब की बातें ख़त्म ना हों बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और ले आएं तो वो भी किफ़ायत ना करे ए मोहम्मद सल्ह वसल्लम कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ तुम ही जैसा मेरी तरफ़ वही की जाती है कि तुम्हारा बस एक ही खुदा है जो पास जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि नकमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को शरीक ना करे ये जो आयत नंबर 103 से 105 तक है ना पहले ये तो इंतहाई सख्तायात हैं बहुत सख्तायात जिनमें बताया गया है कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नाम कौन लोग हैं वो जिनकी दुनिया की ज़िंदगी में सारी जदोजहद राह रास् से भटकी रही और वो क्या समझते रहे कि जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक कर रहे हैं उन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार कर दिया अल्लाह के हुजूर पेशी पर यकीन ही नहीं किया तो अल्लाह फरमाता है कि इसलिए उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए और क़यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वज़न नहीं देंगे यानी दुनिया में चाहे ये लोग कितने ही बड़े कारनामे सर अंजाम दे दें ज़िंदगी के हाथमे के साथ ही इनके सब अमाल ख़त्म हो जाएंगे और इनके तमाम बड़े बड़े मार के जिन पर वो फहर करते थे कोई चीज़ भी अल्लाह ताली के हाना ना पहुँचेगी वहाँ पर अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो नीयत और ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएँ और फिर इसके बाद लास्ट जो टू आयात हैं उनमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि दुनिया के सारे समंदर अगर स्याही बन जाएं और उनसे अल्लाह का जिक्र लिखने लगें तो वो पूरे नहीं पढ़ सकते आप देखिए वाकई ये ज़मीन जो है ये कायनात में एक रेत के ज़र्रे के बराबर है तो इस ज़मीन के तमाम दरख्त और तमाम समंदर मिलकर भी एक ज़र्रे का ही बयान लिख सकेंगे ना सहरा जैसी कायनात और उसके मालिक का मुकमल बयान कैसे लिख सकते हैं अल्लाह इज़्ज़त के कामों अल्लाह के कमालात तमालत कुदरत अल्लाह ताला की हमतें ये सब कुछ कैसे लिखा जा सकता है तो लफ क्या फरमाता है कि ए महमद सल्ला वसम कहो कि अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो ख़त्म हो जाए मगर मेरे रब की बातें ख़म ना हों बल्कि अगर उतनी ही रोशनाई हम और ले आएँ तो वो भी किफ़ायत ना करें इसके बाद नबी अलैहि वसम से फ़रमाया गया कि आप कह दें कि मैं अल्लाह की वही लेकर तुम्हारी तरफ़ आया हूँ और जो कोई अल्लाह से मुलाकात करना चाहता हो उसे चाहिए कि नकमल करे पहली आयत में अल्लाह ताली की किताब का जिक्र था दोनों को मिला कर यानि और अहताम की बात करें सुरह का तो दोनों का एक ही जो है ना इब्तदाइया भी है और एक ही एहताम भी है कि अल्लाह की किताब पर तोजो दें अल्लाह की किताब को पढ़ें दुनिया की जीनत में गुम होने के बजाय हम अल्लाह ताला की बताई हुई हिदायत पर चलें तो इन ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी वरना खतरा जो है ना इस चीज़ का मौजूद है कि सब के सब आमाल ज़ाया हो जाएंगे और ना दुनिया में कोई फ़ायदा देंगे और ना आखरत में इसके बाद सुरा मरियम शुरू हो रही है ये शराह उस वक्त नाजिल हुई थी जब मक् में बहुत ज़्यादा स्तम हो रहा था सहाबा इक्राम रिजवानजमाइन को हजरत हबशा का हुक्म दिया गया हबशा में ईसाई रहते थे और हबशा का बादशाह जो था वो एक ईसाई और रामम दिल हुक्मरान था वहाँ जाने से पहले ये सराह नाजिल हुई और उसमें हज़रतम की पैदाइश और हज़रत मरीम की ज़िंदगी के बारे में मुसलमानों को तारीख़ और इल्म दिया गया सूर्य मरीम की जो पहली पंद्रह आयात हैं उनमें हज़रत ज़िक्रिया का तस्करा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से उन्हें मुजाना तौर पर बुढ़ापे में हज़रत या जैसा बेटा अता किया अल्लाह ताली फ़रमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बिसमी ज़िक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा उसने अर्ज़ किया है मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियाँ तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है ए परवरदिगार मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नामुराद नहीं रहा मुझे अपने पीछे अपने भाई बंधु की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बांझ है तू मुझे अपने फजल हाथ से एक वारिस अता कर दे जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मराज भी पाए और ए परवरदिगार इसको एक पसंदीदा इंसान बना जवाब दिया गया ए ज़क्रिया हम तुझे एक ऐसे लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम यही होगा हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया अर्ज़ किया परवरदिगार भला मेरे यहाँ कैसे लड़का पैदा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ जवाब मिला ऐसा ही होगा तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक ज़रा सी बात है आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ जबकि तो कोई चीज़ ना था ज़क्रिया ने कहा परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर कर दे फरमाया तेरे लिए निशानी ये है कि तू हम तीन दिन लोगों से बात नहीं कर सके चुनाचे वो महराब से निकल कर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से इनको हिदायत की कि सुबह शाम तस्वीर करो यहाँ पर आयत नंबर अलेवन मुकम्मल होती है उसके बाद आयत नंबर ट्वेल्व अल्लाह तला फरमाता है कि ए अः किताब इलाही को मज़बूत थाम ले हमने उसे बचपन ही में हुक्म से नवाज़ा और अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकिजगी अता की और वह बड़ा परहेज़गार और अपने वालदे का हक़ शनास था वो जब्बार ना था और ना नाफ़रमान सलाम उस पर कि जिस रोज़ वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस रोज़ वो ज़िंदा करके उठाया जाए हज़रत यही की तारीफ़ की गई है यानी सबसे पहले तो यहाँ पर ईसाइयों को ख़ुद अपनी तारीख़ से अल्लाह तला की तोहद की एक दलील फ़राम की गई है और उसके बाद यही की तारीफ़ की गई कि वो नरम हु पाकिज़ा और तकवा वाले थे और वालदेन के मती और फरमाबरदार थे जब्बार और नाफ़रमान नहीं थे उसके बाद आयत नंबर सिक्सटी में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वम इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शरकी जानब गोशा नशीन हो गई थी और पर्दा डाल उनसे छुप बैठी इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह को यानी फ़रिश्ते को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमदार हो गया मरियम यका यक बोल उठी कि अगर तू कोई उदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पना मांगती हूँ उसने कहा मैं तो तेरे रब का फरस्त आदा हूँ और उस भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकिज़ा लड़का दूँ मरियम ने कहा मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ फ़रिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ़ से एक राहमत और ये काम होकर रहना है मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया और वो इस हमल को लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गई फिर ज़गी की तकलीफ़ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया वो कहने लगी कि काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान ना रहता फ़रिश्ते ने पाँती से इसको पुकारा कि गम ना कर तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है और तू ज़रा इस दरख्त के तने को हला तेरे ऊपर तरो ताज़ा खजूरें टपक पड़ेंगी बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर फिर अगर कोई आदमी तुझे नज़र आए तो उसे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूँगी फिर वो इस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई लोग कहने लगे कि ए मरियम ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला ए हारून की बहन ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया लोगों ने कहा हम इससे क्या बात करेंगे जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है बच्चा बोल उठा मैं अल्लाह का बंदा हूँ उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बारकत किया जहाँ भी मैं रहूँ और नमाज और ज़कूत की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि ज़िंदा करके उठाया जाऊं यह है ईसा इबन मरियम और यह है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं अल्लाह का यह काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए वो पाक ज़ात है वो जब किसी बात का फ़ैसला करता है तो कहता है कि हो जा और बस वो हो जाती है और ईसा ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी बस तुम उसकी बंदगी करो यही सीधी राह है मगर फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफरों बाहम अखिलाफ़ करने लगे सो जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का होगा जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे उस रोज़ तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आँखें भी खूब देखती होंगी मगर आज ये ालम खुली गुमराही में मुबतला हैं ए मोहम्मद सल असलम इस हालत में जबकि ये लोग गाफ़िल हैं और ईमान नहीं ला रहे इन्हें इस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे किसी कोई चारा कहिरकार हम ही ज़मीन और इसकी सारी चीज़ों के वारिस होंगे और सब हमारी तरफ ही पलटाए जाएंगे यहाँ आयत नंबर फोटी कम्प्लीट होती है आयत नंबर सिक्सटीन से फोटी तक हज़रत मरीमसल्लाम और हज़रत ईसा का किस्सा तफसल से नकल किया गया है उनकी मुजाना पैदाइश पैदा होते ही उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी इसको नकल करके ईसाइयों के अक़ीद तसलीस यानी कि तीन में से एक और एक में से तीन की तरदीद की गई है इसके बाद आयत नंबर फोटी वन स्टार्ट हो रही है अल्लाह फरमाता है और इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो बेशक वो एक रास्त बाज इंसान और एक नबी था इन्हें ज़रा उस मौके की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अबा जान आप क्यों उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं अबा जान मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया आप मेरे पीछे चलें मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा अबा जान आप शैतान की बंदगी ना करें शैतान तो रहमान का नाफरमान है अबा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुबतला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें बाप ने कहा इब्राहिम क्या तू मेरे मबूदू से फिर गया है अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूँगा बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा इब्राहिम ने कहा सलाम है आपको मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको मुआफ़ कर दे मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा उम्मीद है कि अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूँगा बस जब वो उन लोगों से और उनके गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी राहमत से नवाज़ा और उनको सच्ची नामवरी अता की यहाँ आयत नंबर फोटी वन से फिफ्टी तक कम्प्लीट हज़रत इब्राहिम इब्राहीम सलाम की दावत तो हीद का जिक्र है तफसील से जिक्र किया गया है क्योंकि ईसाई और यहूदी दोनों हज़रत इब्राहिम इब्राहीम सलाम को अपना रहनुमा तस्लिम करते थे ये लोग सिर्फ़ अपने बाप दादा की तकलीद में रसूलुल्लाह अलैहि रसूल की दावत का इनकार कर रहे थे अब इन सब के लिए जो है ना हज़रत इब्राहीम सलाम की ज़िंदगी में एक नमूना है कि हज़रत इब्राहीम जिनके वालिद मुशरिक थे लेकिन हज़रत इब्राहीम बाप दादा की तकलीद की बजाय अल्लाह ताला की तोहद पर ईमान लाए अल्लाह ताली की हिदयात पर अमल किया ज़बरदस्त इस का मुजाहरा किया ये सारा वाक़ इसी सूरह के अंदर है कि किस तरह से उनके वालद मुखालफत करते हैं और हज़रत इब्राहीम सलाम कह कर वहाँ से निकल आते हैं यानी यहाँ पे बताया गया है कि ईमान और हक की राम में भी आड़े आ जाए तो फिर उन्हें सलाम कर अलग हो जाना चाहिए